बॉलीवुड सिने गायिका अनुराधा पौडवाल अयोध्या पहुंची। अनुराधा पौडवाल रात्रि विश्राम करेंगी, वहीं कल अयोध्या के प्रमुख संतों से मुलाकात भी करेंगी। इसी के साथ कनक भवन हनुमान गढ़ी का दर्शन भी करेंगी। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराधा पौडवाल ने कहा कि हम सभी को प्रतीक्षा है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो। उन्होंने कहा कि काफी दिनों से राम भक्त उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। वहीं अनुराधा पौडवाल दरअसल गोरखपुर से अयोध्या पहुंची दर्शन करने के लिए और आज कुछ प्रमुख संतों से मुलाकात करने के बाद और अन्य संतों से कल मुलाकात करने के बाद हनुमान गढ़ी का कनक भवन का दर्शन पूजन करेंगी। बारे में कम बात करें, आज जिस मकसद से हम आए हैं, भगवान जी का दर्शन लेने आए हैं और हमने रघुपति राघव राजा राम ये गाना ध्वनि मुद्रित किया है, इसे इसका वीडियो भी किया है क्योंकि गांधी जी के 150 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो उस पर कंप्लीशन पे हमने ये किया है। और साथ साथ में अभी बड़ी बेसब्री से हम भगवान जी का मंदिर की बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द हमें खुशखबरी मिले, बस यही भगवान से प्रार्थना करने आए हैं। जिस तरीके से राम मंदिर, मैं कलाकार बाद में हूँ, पहले मैं उनकी भक्त हूँ, भगवान राम मेरे इष्ट हैं, तो बड़ी बेसब्री से मुझे भी इंतज़ार है और जो जायज़ चीज़ है वो तो होनी ही चाहिए, तो बस ये और ये होना ही है, ये होगा ही, बस यही देखना है कि बस जल्द से जल्द हो जाए। जी, क्या मानते हैं आप, लगभग कितना अयोध्या से जुड़ा हो और कितना फिल्म स्ट्रीट को, मतलब देखिए सबसे पहले मैं कहूँगी कि भगवान राम जो है ना, ये हमारे देश के आइकॉन हैं, मतलब जिसे हम युग पुरुष भी नहीं बोलेंगे, हम क्या कहेंगे आइकॉन को, क्या कहेंगे हम, मतलब आइडल है, आइडल है, आदर्श आइडल है, मतलब हिंदुस्तान के आइडल आइकॉन है राम, भगवान राम। तो और फिर ये धरती ही ऐसी है जिसमें बहुत श्रद्धा है, तो हम जहाँ पे भी मतलब देवी देवताओं को देखते हैं, भगवान राम जी को देखते हैं, तो मतलब बहुत दिल से हम उनके लिए श्रद्धा रखते हैं, तो ये तो मान्यता है ही। वो तो कहीं पे भी जाएंगे तो अब देखेंगे कि भाई जब रामायण का सीरियल जिस वक्त चला था तो रास्ते खाली मिलते थे, मतलब इतने लोग घर में जाके उसे देखना चाहते थे, तो भगवान जी के लिए तो श्रद्धा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। एक आखिरी सवाल मैडम, कि जिस तरीके से पहले, बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि अयोध्या ये एक ऑर्डिनरी नगरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि भगवान राम जी अपने हिंदुस्तान के, भारत देश के, समस्त भारत देश के वो आइकॉन हैं, तो उनका ये जन्म स्थली वगैरह, इनको मतलब इनको बहुत बड़े पैमाने पे इसका डेवलपमेंट वगैरह करके इसका एक प्रेक्षणीय और पूजनीय स्थल बनना अनिवार्य है, तो मुझे बहुत खुशी है कि बाकी सभी जगह का भी नूतनीकरण हो रहा है, बहुत मतलब अच्छी तरह से ध्यान दिया जा रहे हैं इसे ब्यूटिफिकेशन के लिए। और जो लास्ट ईयर जो मैं आई थी यहाँ पर इस प्रोग्राम में आई थी, तो मतलब अविस्मरणीय है जो उन्होंने, योगी जी ने जो किया, कितने मेरे ख्याल में 5 लाख दिए का उन्होंने कुछ वो किया था गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वगैरह के लिए, तो मैंने स्वयं बैठ करके मैंने देखा था, और मतलब ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत बहुत सही तरीके से और जितना जितना महत्व देना चाहिए उसी दिशा में।